राष्ट्रीय जनगणना में ये भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। अगर डीएम को नहीं कहे होगे तो कोई सकते। धार्मिक भावनाओं आहत करने वाले बयान पे अब बीजेपी ने लिया है बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने लिया बड़ा एक्शन और सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची में कुल 38 नेताओं का नाम है और जिसमें 28 को चिन्हित किया गया है विवादित बयान को लेकर, जिसमें एकमात्र बिहार के गरजने वाले यानी फायर ब्रांड गिरिराज सिंह भी शामिल है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह अपने बयान को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं और गिरिराज सिंह काफ़ी विवादित बयान भी देते नजर आए हैं। बेगूसराय की बात कर ले, चाहे पटना की बात कर ले, चाहे पटना एयरपोर्ट की बात कर ले, तो गिरिराज सिंह बोलने से नहीं चुकते हैं, लेकिन बीजेपी ने लगा दिया खामोश का निशाना। देखिए, जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। अगर डीएम को नहीं कहे होगे तो तुम कह सकते बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अब नहीं गरज पाएंगे। बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की पहचान की है। इसमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इसमें बिहार के गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब का प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी देने के बाद बीजेपी ने नेताओं के पिछले 8 साल सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों के माध्यम से खंगाला है। इसमें करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए हैं। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयान को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। इसमें कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का पहला बयान, कब्र में 3 हाथ के जगह चाहिए तो भारत माता की जय कहना होगा। 25 अप्रैल 2019 को बेगूसराय के एक कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। बयान नंबर 2, भारत के मुसलमान मुगलों के नहीं प्रभु राम के वंशज हैं। 22 अक्टूबर को बागपत में गिरिराज सिंह ने कहा था कि भारत के मुसलमान मुगलों के नहीं प्रभु श्री राम के वंशज हैं, इसलिए वे राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वे भी समर्थन में आ जाएं, वरना उन्हें हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे और अगर ये नफरत ज्वाला में बदल गए तो मुसलमानों को सोचना होगा। बयान नंबर 3, 247 में हो सकता है देश का बंटवारा। 17 अक्टूबर 2018 को गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि 2047 में एक बार फिर से देश का बंटवारा हो सकता है। उन्होंने लिखा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश को बांटा गया था, वैसे ही परिस्थिति फिर से 2047 तक निर्मित होगी। बयान नंबर 4, देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। 12 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने शाहपुर के एक कार्यक्रम में कहा था कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है, हाफिज साईद समेत बड़े बड़े आतंकवादी यहीं से निकले हैं। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह का बयान काफ़ी विवादित होता है और धर्म को लेकर वो कहीं ना कहीं कुछ भी कह जाते हैं, और इसी पर लेकर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है और आला कमान ने खामोश शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है पार्टी से परमिशन लेना होगा बोलने के लिए, ऐसे शब्दों से बोलने के लिए बचे, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी हिदायत दी है अपने नेताओं को।